नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। घर के अंदर फन फैलाए बैठा था कोबरा, देखते ही सहम गया परिवार, डर के मारे स्लैब में घंटों बैठे रहे, फिर हुआ रेस्क्यू। कोरबा जिले में खतरनाक कोबरा एक घर में घुस गया, इसके बाद वो घर के अंदर ही फन फैलाए बैठा रहा। ये देख घर के लोग सहम गए और स्लैब में बैठे रहे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे नीचे उतर जाएं। सांप भी घंटे भर तक वहीं मौजूद था। बाद में किसी तरह से जब इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, तब उसका रेस्क्यू किया गया है। ये पूरा मामला दादर खुर्द इलाके का है। यहाँ रविवार को सरस्वती यादव का पूरा परिवार कहीं और से कमाने खाने के चक्कर में किसी दूसरे जिले से आया है। रविवार को ही यहाँ किराए पर मकान लिया था। इसके बाद रात को पति पत्नी और बेटा मकान के अंदर ही थे, तभी उनकी नजर सांप पर पड़ी। उन्होंने जब सांप को देखा था तब रात करीब 9 बजे थे। ये देखते ही माँ बेटे सहम गए, वे तुरंत घर के अंदर बने स्लैब के ऊपर चढ़ गए। पति पत्नी और उनका बेटा तीनों ऊपर ही बैठे थे। कोबरा भी फन फैलाए हुए चौखट पर बैठा था। एक घंटे से ज्यादा तक वो बैठा ही रहा। इसके बाद सरस्वती के बेटे ने किसी तरह से पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी जब मौके पर पहुंचे, तब परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। सरस्वती उस समय जितेंद्र से ये कहती रही कि हमारी जान बचा लो। वो काफी रो रही थी। फिर उसे समझाया गया और कोबरा का रेस्क्यू किया गया है। बताया गया अचानक हुई बारिश के कारण कोबरा आया होगा। वन विभाग ने कहा है कि यदि किसी को भी इस प्रकार की समस्या हो तो वे सीधे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 8817534455799962211। तुरंत रेस्क्यू टीम पहुंचेगी।